हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन एल्किन ए ऑन रिएक्शन विद O3 एंड सेरेन एच टू गिव्स प्रोपानोन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो। एडिशन ऑफ HCl टू एल्किन ए गिव्स बी एज द मेजर प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी इज Cl CH2 CH2 CH CH3 CH3। ऑप्शन बी CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3। ऑप्शन सी CH3 CH2 C CH3 Cl CH3। ऑप्शन डी CH3 CHCl CH CH3 CH3। सो क्वेश्चन हमको पूछा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ओसमोलिसिस प्रोडक्ट दिया हुआ है इथेनॉल एंड प्रोपानोन इक्विमोलर रेशियो पे। सो हम उसमें जो एल्किन से ही बना हुआ है उस एल्किन पे हम लोग ऐड किए हैं HCl, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। सो द की कंसेप्ट The key concept of this question is osmolysis reaction. First of all, हम जानते हैं अगर हमारे पास osmolysis reactions का product given है, उससे हमको alkene कैसे निकालना होता है, हमको पता होता है। हमारे पास क्या है, प्रोपानोन है, तो प्रोपानोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है प्रोपानोन। और क्या है, और हमारे पास है इथेनॉल, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 या फिर H, ये हमारा इथेनॉल। ठीक है, और अब देखो हमको क्या करना होता है, हमको इन दोनों O को एलिमिनेट करना होता है और ये यहाँ पे लाना होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 या फिर हाइड्रोजन या फिर CH3 या फिर CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो रिएक्टेंट एल्किन जिससे हम बनाए हैं ये दोनों प्रोडक्ट थ्रू ऑस्मोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, बाय मतलब जिंक वाटर डालने के बाद भी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेट्स से 1 2 3 4, 2-मिथाइल 2-मिथाइल ब्यूट टू इन। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं क्या HCl, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, तो कौन सी कार्बन लेगा वो डिपेंड करेगा जिस कार्बन पे लेने के बाद वो जो हमारा कार्बन कैटायन होगा जेनरेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास ये था, अब अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाए तो प्लस चार्ज जनरेट होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा सोचो, अगर हाइड्रोजन ऑपोजिट कार्बन पे अटैच होता तो प्लस चार्ज जनरेट होता राइट वाला कार्बन पे। बट ये जो कार्बन है ना, ये देखो ये 3 डिग्री कार्बन कैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बन कैटायन। बट जो राइट साइड में अगर कार्बन राइट साइड में अगर कार्बन कैटायन जनरेट होता तो वो होता हमारा 2 डिग्री कार्बन कैटायन। हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बन कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसलिए इसमें क्या होगा प्लस मतलब कार्बन कैटायन जनरेट होगा। हमारे पास क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो ये HCl एडिशन रिएक्शन, ये HCl एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन कार्बन CH3 H H CL CH3 CH3। तो देखते हैं ये जो है हमारा, ये है B, ये था A। ठीक है, अब जो B एग्जैक्टली है और कौन से ऑप्शंस पे हमको देखना होगा, क्या है ये सी सी सी, देखो एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल है और एक क्लोरीन है, एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल है क्लोरीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बाकी क्या है CH2 CH3, बाकी है CH2 या सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।